बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक, मजे में, स्वस्थ होंगे ना? अपना ध्यान रखना। चलो, आज हमारा विषय है विषय गणित। कौन सी कक्षा में? कक्षा टू में आज हम गणित का जादू ये सीखने वाले हैं। तो हमने इसमें क्या क्या सीख लिया है, तो देखो, चैप्टर नंबर 5 पैटर्न। इस पैटर्न को किस तरीके से आगे बढ़ाना है वो मैंने आपको समझाया था। पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमें अंकों को भी किस तरह से आगे पैटर्न के हिसाब से बढ़ाना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया था। अभी देखो, यहाँ पर आज हम उसी पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, यहाँ पर यह क्या बना है? गोला। फिर क्या बना है? चौरस। फिर क्या बना है? गोला। फिर क्या बना है? चौरस। तो अभी चौरस के बाद में किसकी बारी आएगी? गोले की, है ना? तो किसकी बारी आएगी? गोले की। तो देखो, यहाँ पर मैंने गोला बना के रखा है और गोले के बाद किसकी बारी आएगी? चौकन की, है ना? उस तरीके से इस पैटर्न को हमें पूरा करना है। अभी देखो, इस बार आपको क्या करना है, इस डिज़ाइन को एग्जैक्टली देखना है। डिज़ाइन में क्या चेंज आपको दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न किस तरह से आगे बढ़ाना है। देखो, अभी ये सारे तीर आपको दिख रहे हैं ना, सारे तीर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें तीर तो है, लेकिन इसमें देखो यहाँ कितने तीर हैं? एक, है ना? फिर कितने हैं? दो। फिर एक साथ दो है, फिर एक है, फिर एक साथ दो है, फिर एक है, फिर एक साथ दो है। देखा आपको? तो जिस तरीके से यहाँ पे पहले एक बाण है, फिर दो है, फिर से एक बाण बनाया गया है, फिर दो बाण बनाए गए हैं, उसी तरीके से हमें देखो ये लास्ट में कितने बाण बनाए गए हैं? दो। तो हम आगे कितने बाण बनाएंगे? एक, ठीक है? तो एक दो तीर के बाद में हमें एक बनाना है, फिर एक तीर के बाद में हमें दो तीर यहाँ पे बनाने हैं। ओके, अभी देखो, इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। देखो, हर पैटर्न में आपको अलग अलग समझाया गया है, एक जैसा नहीं है, ठीक है? अभी देखो, यहाँ पे कितने गोले बने हैं? एक गोला बना है, उसके बाद में कितने गोले बने? दो। उसके बाद में कितने गोले है बने हैं? तीन। तो पहले एक, फिर दो, फिर तीन। तो अभी तीन के बाद कितने आएंगे? चार। कितने आएंगे? चार। तो हमें यहाँ कितने गोले बनाने हैं? चार। फोर गोले हमें यहाँ पर बनाने हैं। फोर गोले के बाद कितने बनाएंगे हम? एक एक बड़ा बड़ा कर हमें इसमें बनाना है। देखो, यहाँ पे कितने थे पहले? वन था, फिर टू, फिर थ्री। तो एक एक इसमें बढ़ा दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर थ्री के बाद कितने बनाने हैं? फोर। फोर के बाद में हमें कितने बनाने हैं? फोर गोले। यहाँ पर फोर के बाद में फाइव गोले यहाँ पर हमें बनाने हैं। देखो, ये तीर वाला फिर से तीर की जोड़ी बनाई गई है टू टू की, लेकिन यहाँ पे सीधे हैं और उल्टे हैं। देखो, डिज़ाइंस को ध्यान से हमें देखना है। यहाँ पे दो दो की जोड़ियाँ बनाई गई हैं, लेकिन इसमें सीधे तीर हैं, इसमें उल्टे तीर हैं, सीधे उल्टे। तो यहाँ पे उल्टे हैं, तो हम यहाँ पक्के कैसे बनाएंगे? सीधे बनाएंगे, सीधे के बाद फिर से उल्टे बनाएंगे। ओके, अभी देखो, यहाँ पर यहाँ क्या बना है? त्रिकोण। त्रिकोण के बाद में दो गोले, त्रिकोण के बाद में दो गोले बने हैं ना? तो हमें क्या करना है? त्रिकोण के बाद गोले, गोले के बाद त्रिकोण, त्रिकोण के बाद गोले। तो गोले हैं, तो हम क्या बनाएंगे? त्रिकोण। उसके बाद क्या बनाएंगे? फिर से गोले। ओके, अभी देखो, यहाँ पर ये जो लंब चौरस दिए गए हैं, देखो, है ना? तो इसमें क्या, सभी लंब चौरस हैं, लेकिन इसमें देखो, एक में हरा रंग भरा है और इसमें दूसरे वाले में आधा आधे दो रंग भरे हैं, ठीक है? इसमें एक ही रंग भरा है और इसमें आधे आधे दो अलग अलग रंग भरे हैं। तो हमें भी क्या करना है? ये कौन से रंग है? देखो, दो आधे आधे अलग अलग रंग है। इसके बाद किसकी बारी आएंगी? इसमें हमें एक पूरा रंग भरना है, ठीक है? और इसमें आधा आधा भरना है ना, एक बार में पूरा और एक बार में आधा आधा। ओके, अभी देखो, यहाँ पर ये जो आधा गोल है, कैसा गोल है? आधा गोल है ना? तो ये आधा गोल बना है, आधा गोल एक बार से इधर से कटा है, एक बार इधर से कटा है ना? तो एक बार इधर से कटा है, एक बार इधर से। डिज़ाइंस को देखकर हमें पता चल जाना चाहिए कि इसके आगे वाली पैटर्न में क्या आएगा। तो देखो, यहाँ कैसा गोल है? ऊपर से आधा कटा है ना, तो हमें नीचे से आधा कटा बनाना है। और यहाँ पे हम कैसा? ऊपर से आधा कटा बनाएंगे, जिस तरीके से मैंने बनाया है उस तरीके से। अभी देखो, यहाँ पे पान का चित्र दिया गया है ना, दिल जैसा पान बनाया है ना? तो देखो कैसा बनाया गया है, इसका जो नीचे वाला बारीक पतला वाला जो भाग है वो यहाँ पे है ना, नीचे है, फिर यहाँ ऊपर है, फिर यहाँ पे नीचे है, फिर यहाँ पे ऊपर है ना? तो ये ऊपर है तो हम कहाँ बनाएंगे? नीचे। फिर नीचे है तो हम कहाँ बनाएंगे? ऊपर बनाएंगे। तो मैं इसकी पीडीएफ आपको भेजूँगी, तो उसमें से आपको इसको बना लेना है ना? अभी मत बनाना, अभी खाली समझ लो, है ना? हाँ, तो अभी देखो, यहाँ पर ये क्या है? पंचकोण है।
ये क्या है? पंचकोण। तो पंचकोण में देखो, एक एक बाजू सीधा, फिर उल्टा, सीधा फिर उल्टा, फिर सीधा फिर उल्टा, इस तरीके से इसको हमें पूरा करना है। अभी देखो ये वाली जो डिज़ाइंस हैं, है ना डिज़ाइंस, इसमें आपको रंग भरना है। क्या करना है? रंग भरना है, लेकिन आपके घरों में जो टाइल्स होती है ना, उसके जैसे इसमें रंग भरना है। आपके मन से एक अलग ऐसे नहीं बनाना है, एक जैसा रंग उसमें देखना चाहिए। इस तरीके से उसमें रंग भरना है। देखो मैंने किस तरीके से इसमें रंग भरा है, वो देख लो। ऊपर के सारे पिंक, फिर ये जो जाली है वो पूरी ब्लू, फिर पिंक, दिख रही है ना? आपके घरों में जाली जो टाइल्स होती है वैसे दिख रही है ना? इसकी PDF मैं आपको भेजूंगी ना, तो उसमें से आप देख कर, टीक लगा कर, टीचर ने जिस तरीके से रंग भरा है ना, उस तरीके से आपको रंग भरना है। अभी देखो यहाँ पर ये जो जाली है कहाँ, देखो सूचना पढ़ो। जाली को अलग अलग तरीके से रख कर नीचे दिए गए खाली स्थान में अलग पैटर्न बनाइए। तो देखो ये जो जाली है आपके घरों में ग्रिल पर लगी होती है, खिड़की में लगी होती है, फिर आपका जो मेन गेट होता है ना वहाँ पे लगी होती है ना, ऐसी जाली। तो ऐसी जाली आप अलग अलग पैटर्न से किस तरीके से बना सकते हो, वो यहाँ पे हमें बनाने हैं। इसकी भी PDF मैं आपको बना के भेजूँगी, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे इस खाली ये जाली का पैटर्न है। कहाँ उपयोग करके जो पैटर्न नहीं बनाया जा सके उसके ऊपर गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर ये जो आपको पैटर्न दिखाया गया है, ऐसा पैटर्न इसमें कहाँ पे नहीं है, देखो ये जो है, तो ये देखो यहाँ पर देखो ये जो जाली है इसमें यहाँ पे गोल दिए हुए हैं ना, इसमें भी दिए हुए हैं, 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 देखो यहाँ पर दिए हैं ना, पर इसमें दिए हैं क्या, इसमें है क्या ऐसा शेप, ऐसा वाला जो शेप इसमें है क्या, नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे। अभी देखो यहाँ पर ये जो पैटर्न से मेल खाने वाला टुकड़ा चिन्ह लगाइए, राइट का चिन्ह लगाइए, ये आपका पैटर्न है, ठीक है? इसको चूहे ने काट लिया है, तो इसमें हमें 3-4 टुकड़े बताए गए हैं, इसमें से कौन सा टुकड़ा हम यहाँ पे मैच करेंगे? तो देखो यहाँ पर इसमें कितने, इसमें इस टुकड़े में एक जैसी डिज़ाइन बनाई गई है, देखो यहाँ पे कितनी है, 4 है ना, एक साथ में 4-4 यहाँ पे बॉक्स बने हैं, ठीक है? बांधने वाली डिज़ाइन इसमें बनाई गई है, और इसमें इसमें पूरी लाइन में बनाया गया है, इसमें पूरी कितने सारे बने हैं, इसमें भी कितने सारे बने हैं। तो ये तीनों टुकड़े हमारे कोई काम के नहीं हैं, हमारा काम का टुकड़ा कौन सा, ये वाला, देखो इसकी डिज़ाइन और इसकी डिज़ाइन सेम है, इसलिए हम इसके ऊपर राइट लगाएंगे, ओके? अभी देखो यहाँ पर इसमें बीच में दी गई टाइलों को उनके पैटर्न के साथ मिलाओ, तो इसको हमें इस पैटर्न के साथ में मिलाना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर ये जो आपको पिंक और रेड दिख रहा है, ये सब टुकड़ा कहाँ पे है, ऐसे टाइल्स का टुकड़ा कहाँ पे, यहाँ पे, इसके साथ मैंने यहाँ पे जोड़ मिलाया है, सेम देखकर आपको जोड़ मिलाना है। ये देखो ये पंचकोण वाला षष्ठकोण वाला है, तो हम षष्ठकोण वाला इससे जोड़ मिलाएंगे, और ये देखो ये वाला जो है, ये वाला हम इससे मिलाएंगे, ठीक है? इससे मिलाएंगे, ठीक है? देखो ये और ये सेम दिख रहा है, और इसमें फ़र्क है, देखो इसमें का एक कलर जो है ना ब्लू दिया गया है, तो इसमें हमने इसको जोड़ मिलाना है, आया समझ में? तो इस तरीके से इसको जोड़ मिलाना है, ये पैटर्न है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे कलर भरने वाली PDF मैं आपको डाल दूंगी, तो आपको इस तरीके से इसमें कलर भरना है। कौन से भी कलर भरना मत, एक बॉक्स छोड़ के अलग अलग सेम इसी तरीके से हमें पैटर्न बनाने है। तो इसके तो मैं कलर भर के आपको भेजूंगी, उसमें से आपको लिखना है। अभी देखो यहाँ पर ये भी पैटर्न हमें उसी तरीके से पूरा करना है। देखो एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, उसी तरीके से इसे हमें आगे बढ़ाना है, सीधा आड़ा, ठीक है? इसकी PDF मैं भेजूंगी, उसमें से देखकर आपको करना है, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पर पैटर्न के अनुसार खाली स्थान पूर्ण करो, ठीक है? अभी देखो पैटर्न कैसे दिया गया है वो हमें देखना है। देखो क क लिखा है, फिर ख ख, फिर ग ग, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, घ घ, फिर क्या लिखेंगे, च च। अगर आपको कलम की खाली जगह दी गई तो आप क्या लिखोगे, क ख ग घ च छ झ झ, ये पूरा हो गया ना आपका, इस तरीके से खाली जगह भरोगे ना आप, लेकिन इसमें दो दो क दिए, देखो क क ख ख ग ग, तो हमें इसमें क्या लिखना पड़ेगा, घ घ च च छ छ झ झ झ झ, ठीक है? अब इसमें क्या दिया गया, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, है ना? पहला अक्षर क्या था, क, और दूसरा अक्षर क्या था, ख, क ख, फिर पहला अक्षर ख और ग,
फिर ग और घ, तो फिर क्या आएगा, घ चो जो छो झो 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 झोटो। इस तरीके से इस पैटर्न को हमें पूरा करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिन रात है ना, इधर क्या लिखा है दिन, सबसे पहले क्या लिखा है दिन, फिर क्या लिखा है रात, तो रात के बाद क्या आएगा वापस दिन, दिन के बाद वापस क्या लिखेंगे रात, फिर क्या लिखेंगे दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर इस तरीके से इसको हमें पूरा करना है। फिर देखो यहाँ पे कितने लिखे हैं, वन टू है ना, तो फिर वन लिखा है तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें टू, फिर क्या लिखेंगे वन, फिर क्या लिखेंगे टू, फिर क्या लिखेंगे वन, फिर क्या लिखेंगे टू। फिर देखो यहाँ पे इस तरीके से इस पैटर्न को हमें पूरा करना है, 87, 88 और 90 ठीक है। अभी इसको बढ़ाया गया है ना, इसको आगे बढ़ाया गया है, तो फिर क्या आएगा 90, 91, 92, 93, 94 तो 87, 88, 89, 90, 90, 91, 92, 93, 94 यानी इसको हमें कंप्लीट करनी है। देखो यहाँ पे फिर क्या लिखा है, 20, 30, 40 है ना, पहले क्या लिखा है 20, उसके बाद कितने आते हैं 30, फिर 40, 40 के बाद कितने आएंगे 50, फिर 60, 70, 80, 90 है ना, तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तो हमें इस तरीके से इस पैटर्न को पूरा करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 19 में 10 मिलाएंगे तो कितने बनेंगे 29 में 10 मिलाएंगे तो कितने बनेंगे 39। ये पैटर्न कोई एक जैसा नहीं है, इसमें है ना हर लाइंस में आपको अलग से पैटर्न, अलग जो दिया है वो यहाँ समझ के आपको उस पैटर्न को आगे बढ़ाना होगा। इसमें 10 के आगे बढ़ाए, देखो इसमें 19 है तो 29 यानी कितने आगे बढ़ा दिए, यानी कितने आगे हो गए 10 की संख्या से इसको आगे बढ़ाया है, तो हम भी इसमें 10 मिलाएंगे, 39 में हम 10 मिलाएंगे तो 49, फिर 10 मिलाएंगे तो 59, फिर 10 मिलाएंगे तो 69, फिर 79 और फिर 90, तो इसमें हमें सब में 10 मिला के आगे बढ़ाना है, ठीक है। फिर इसमें देखो 258 यानी इसमें 3, 4, 5 तीन अक्षर छोड़ के हमें इसको लिखना है, तो इस तरीके से ये पैटर्न हमें पूरा करना है। इसका PDF मैं आपको भेजूंगी तो उसमें से आपको समझकर इसकी इसको कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। तो आया आपको समझ में किस तरीके से पैटर्न आपको आगे बढ़ाना है, ओके। तो आज का हमारा पैटर्न वाला चैप्टर यहीं पे आज तक हमने यही किया है, आगे और भी करने का बाकी है तो अगली पीरियड में करेंगे, तब तक के बाय।